तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस ब्लॉग में। जिस किसी ने भी पार्ट वन नहीं देखा तो सोच कर रहे हो भाई जाओ देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं उसमें, फाइटिंग है, जंपिंग है, खून भी निकला है। तो अब शुरू करते हैं पार्ट टू, तो सिट बैक एंड रिलैक्स टू एंजॉय इट। सो लेट्स गो। ये कोई मिल गया का जादू बन गया। धीरे 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 दस बारे दस धीरे धीरे हमारा यहाँ पे कंपटीशन लग चुका है कि कौन कितनी देर तक रह सकता है। वैसे कैमरा हमारा रेफरी है पर हम एक बंदे को रेफरी बना के रखेंगे, तीन तीन बंदे को कंपटीशन रखेंगे। 1 2 3 क्या बोलती है पब्लिक, टीचर बोल रहा है टट्टी लगा दी इसके मुंह पे। क्या किया तूने अभी अभी? मगरमच्छ 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 मैं संभाल दूँ, रुक जा, मैं संभाल दूँगा। नशे नशे सबसे नशे सूखे नशे। इतना ही था और फ्रेंड्स मालिक को आज कोशिश करिए खुश करने की। तो थोड़ा सा स्किन ग्लो सी लग रही होगी पता नहीं, और हम कपड़े भी लाए थे तो कपड़े हमने चेंज कर लिए सबने, बहुत अच्छा लग रहा है। अब बज रहे हैं 3, 3:30 बजे तक लंच खत्म हो जाएगा, इसलिए फटाफट से हमने कहा कि लंच वंच कर लेते हैं, उसके बाद छूट क्योंकि 5:30 बंद हो जाता है यहाँ पे। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ और बची हुई हैं थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ और कर आके फिर यहाँ से हम अपना निकल जाएंगे। राजमा, पनीर, रायता, तंदूरी रोटी, ये लाए चाउमीन, सूखी सब्जी, चावल, राजमा, कड़ी पकौड़ा, कड़ी पकौड़ा। इस ये ब्रिज बहुत ज़्यादा खतरनाक और ये हिल बहुत रहा है। अरे ये कहाँ बैठेगा फिर? अरे मैं इधर आ जाऊंगा ना। अगले 30 मिनट में गए भाई की था ध्यान, वो तो करके गया था। समझ गया ना रोहित साहब? भाई चलो भाई उतरो, घर जाओगे उतरेगा फिर उतरेगा। तो बहुत बढ़िया और छोटा सा पार्क है जहाँ पे बच्चे छोटे बच्चे खेल वेल सकते हैं। ये क्या है भाई? आप क्या हो? बोलती नहीं है हेलो कैसे हो? अच्छे हो? अंडा दिखा सकते हो अपना अंडा? क्या राजा ये तो अभी गया भाई, आपने पिक्चर ले जाने सब्सक्राइब किया है? यूट्यूब चलाते हो? इसके बाल तेरी तरह क्यों लग रहे हैं घुंघराले? आगे से सीधा जाना था या नहीं आना था? बंदे को बांध के फिर घुमाते हैं उसको। क्या है? मैं नहीं करूँ ये तो बिल्कुल। तुझे एडवेंचरस चाहिए तेरा अपनी लाइफ में। एक्सपेक्टर चाहिए। बास्केटबॉल खेलते हैं वो बनाते हैं राहुल राहुल।
ये लंगड़े पंख का मजाक बनाते हैं मेरा। आ केशव जल्दी, केशव चला जा, जाना परेश। ओए रोहित पीछे से माँ हाँ कर कर, अभी कर, जल्दी कर। एक बार राउंड, रुका। चलो जल्दी चलो। ओ वाह यार, परवेशी मारते हुए। मेरा वाला ज्यादा टफ है। नहीं तेरा ज्यादा इजी है, बल्कि तेरा इजी है, तेरा इजी है। तेरे को पैर पैर रखने सीधे सीधे, तेरा बैलेंस बनते ही। रोहित का सेकंड स्टेज बहुत ही आसान, वो थोड़ा आगे आ गया, रोहित ने लीड पकड़ ली है, केशव पीछे रह गया। और रोहित की सेकंड स्टेज पार, और थर्ड स्टेज टायरों पे जाना। चौथी स्टेज आ गई रोहित की, केशव अभी भी स्ट्रगल करते हुए सेकंड स्टेज पर ही। ओहो, इन्होंने तो फिफ्थ लेवल स्टार्ट भी कर दिया भाई, बाजी वाली फीलिंग आ रही है। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, जंग के मैदान में। अभी केशव का डर है कि ये वाला कैसे पार होगा। खतरों के खिलाड़ी रोहित बहुत ही आगे निकलते हुए। रोहित की डिफिकल्ट स्टेज आते हुए थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहे हैं, जब तक हम केशव को देख लेते हैं। केशव बहुत ही पीछे जा रह चुके हैं। ये क्या बवाल है, अंदर डालना ट्रैक, बताओ इसकी क्या है। यही है जो तू कर रहा है, पकड़ना। One eternity later. आधे घंटा हो गया केशव को। चलिए केशव, गिर गए, आउट आउट भाई, आउट, आप आउट हो गए। चलो अब मैं रोहित वाली स्टेज करूंगा एक बारी। नहीं ये वाली कर। हैं? अब मैं लंगड़ा त्यागी केशव वाली स्टेज पार करूंगा, क्योंकि केशव ने चैलेंज किया है कि ये वाली स्टेज करके दिखा, ये वाली ज्यादा डिफिकल्ट है। तो अब मैं ये स्टेज करने जा रहा हूँ, तो स्टार्ट करते हैं स्टेज को, ठीक है। चलो जय श्री राम। पहली स्टेज पार हो गई, आई थिंक मैंने केशव से थोड़ी जल्दी ही की है। इसी स्टेज पे केशव गिर गया था। पता है ये इजी है, पर अब स्टेमिना खत्म हो गया, तो पंप हो गया पैर। ओ भाई साहब, फाइनली केशव, क्या कहा था तूने? अरे मालिक मालिक है, ये वाली स्टेज पार करके दिखा। मैंने कहा मालिक 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 को तुलना है। ओ Proud Indian Army, जंग के मैदान। अभी बज रहे हैं 4:15, मतलब वो अभी फौजी वाली जो एक्टिविटी की है ना, उससे थोड़ी बहुत थकान हो गई है। अबे घोड़े को भी तो ले, घोड़े को तो लिया। ये हाथी की सवारी कैसी लग रही है आपको? अबे घोड़ा है साले। ओके भैया बोले ऊंट है। क्या बहुत ज्यादा, अभी हम थक गए थे और अभी इधर इन खाटों पे थोड़ी देर हम सो गए थे और रेस्ट करा। गौरव ज्यादा एनर्जी में है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमने वो जो फौजी वाली एक्टिविटी कर दी है ना, मैंने केशव ने और रोहित ने, हम तीनों को इस वजह से ज़्यादा थकान हो रही है। वो उस एक्टिविटी में ज़्यादा दम लग गया, अब गौरव गया नहीं था, गौरव थका नहीं है इतना। देखता हूँ गाड़ी में जाकर ना सो जाऊँगा थोड़ी देर। अभी टाइम हो रहा है 5:10,
और हम निकलने का सोच रहे हैं क्योंकि 5:30 बजे वैसे ही यहाँ पे बंद हो जाएगा सब कुछ और हम यहाँ पे थके हुए हैं। तो वैसे तो कुछ यहाँ पे बचा नहीं है और अगर बचा भी है तो वो करने का कुछ अब मन नहीं है। तो अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से ये प्रतापगढ़ फार्म 90 किलोमीटर कुछ है, तो मतलब 2-2.25 घंटे लगते हैं आने से दिल्ली से गाड़ी में। मेरा फीडबैक फॉर्म अभी केशव फीडबैक दे रहा है, चारू की तरफ से दे दो भाई। गौरव कैसा एक्सपीरियंस रहा? मजा नहीं आ रहा है। केशव एक्सपीरियंस कैसा था भाई तेरा? बहुत महंगा रहा। महंगा रहा, चलो ओवरऑल हमारा हम सबका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत एंजॉय किया। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन हास्ता ला विस्ता, गुड बाय।